जब कभी भी प्रभु की भक्ति की मिसाल दी जाती है तब सदैव ही निर्विरोध सर्वप्रथम हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी सोते जागते उठते बैठते बस एक ही नाम रटा करते थे, राम 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 राम। किंतु हनुमान जी ने उन्हें सदैव से ही नहीं देखा था, वे बिना उन्हें देखे बिना उनसे मिले उनसे मिलने की आस में ही उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। जो भक्त अपने प्रभु के दर्शनों को व्याकुल हो और उनसे मिलने की आस लिए बैठा हो, कैसा अद्भुत क्षण होगा वो जब स्वयं प्रभु उनसे मिलने उनके सामने आ जाए। आइए जानते हैं श्री राम और हनुमान के प्रथम मिलन की यह अद्भुत गाथा। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन पुत्र हनुमान ऋषिमुख पर्वत पर राजा सुग्रीव के साथ उनके मित्र और रक्षक बनकर रहते थे। बाली के राजपाट छीन लेने से सुग्रीव सदैव भयभीत रहते कि कहीं बाली किसी को उसे मारने के लिए न भेज दे। इसी प्रकार एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। सुग्रीव के गुप्तचरों ने उसे बताया कि दो तेजस्वी ब्राह्मण इसी पर्वत पर बढ़े आ रहे हैं, किंतु दोनों के हाथों में धनुष है और दोनों ही बलवान प्रतीत होते हैं। ये सुनकर सुग्रीव भयभीत हो गया। उसे लगा कि बाली ने ही इन दोनों को भेष बदल कर मुझे मारने भेजा है। हनुमान जी ने सुग्रीव को शांत कराते हुए कहा कि मेरे होते हुए आप घबराइए नहीं, मैं स्वयं जाकर उनका परिचय पूछता हूँ। सुग्रीव ने भी कहा, हाँ हनुमान, तुम जाकर पता करो वे दोनों ब्राह्मण यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, और यदि कोई संकट प्रतीत हो तो मुझे संकेत दे देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वस्त कर वे ब्राह्मण के भेष में श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुंच गए। दोनों ही राजकुमारों का दिव्य तेज देखकर उनके मन में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने स्वयं को नियंत्रित किया और हाथ जोड़कर दोनों राजकुमारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप दोनों कौन हैं और इस दुर्गम पर्वत में क्या कर रहे हैं? आप दोनों देखने में तो राजकुमार प्रतीत होते हैं और आपके पाप भी अत्यंत कोमल हैं। आप दोनों इस प्रकार नग्न पैरों से इस काटीले वन में किस उद्देश्य से आए हैं? उनकी मनमोहक बातों को सुनकर राम जी मन में मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता का किसी दुष्ट ने अपहरण किया है, हम उसी को ढूंढने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अब आप अपना परिचय भी दीजिए ब्राह्मण देव। अपने आराध्य प्रभु श्री राम को देखते ही हनुमान जी के हाथ अपने आप जुड़ गए, उनका शीश झुक गया और उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। वे अपने असल स्वरूप में आए और बोले, प्रभु मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। बालपन से आज तक केवल आपसे मिलने की और आपकी सेवा करने की आस में ही जी रहा हूँ मैं। मुझे अपना आशीर्वाद देकर मेरे जीवन को सफल बनाइए प्रभु। प्रभु श्री राम ने हनुमान को आशीर्वाद दे दिया और उन्हें गले से लगा लिया, क्योंकि जितना पवन पुत्र हनुमान अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आतुर थे, उतना ही श्री राम भी अपने परम भक्त हनुमान से मिलने के लिए बेचैन थे। इस प्रकार वहां का वातावरण सुख करुणा और दिव्यता से भर गया। लक्ष्मण भी इस दृश्य को देखकर प्रसन्नता के साथ साथ हैरत में पड़ गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम
और हनुमान का महामिलन हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान।